अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गवादा सीपैक। नाज़रीन, अगर बलूचिस्तान को दुनिया का खूबसूरत तरीन खत्ता कहा जाए तो कुछ गलत ना होगा। खूबसूरत नोकीले पहाड़, दिल का सहरा और दूर तक फैला समंदर। अगर यहाँ किसी चीज़ की कमी देखी जाती है तो वो है हरियाली। बाज़ इलाकों में तो हरियाली बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ जमीन से ज्यादा समंदर में हरियाली देखने को मिलता है? और ऐसा होता है समंदर में मौजूद मैंग्रोव के जंगलात से। एक नज़र समंदर पे बसे इन खूबसूरत मैंग्रोव के जंगलात पर डालें तो एक अलग ही कैफियत नजर आती है। ये कोई अमेरिकी अमेज़न के जंगलात नहीं, बल्कि पाकिस्तान में समंदर पर मौजूद खूबसूरत मैंग्रोव जंगलात हैं। बलूचिस्तान का डोम साहिल, जो अपने सहराई जजीरों और मैंग्रोव के कीमती सरसब्ज शादाब जंगलात की वजह से मशहूर है, वही ये उछलती कूदती डॉल्फिन मछलियाँ इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती हैं। पाकिस्तान में तीन दहाइयों में मैंग्रोव में 300 गुना इजाफा हुआ। WWF पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान के रीजनल हेड डॉक्टर ताहिर रशीद ने कहा कि चीन और पाकिस्तान के लिए सीपैक के तहत गवादर के साथ साथ मैंग्रोव के तहफ्फुज़ के काम करने के लिए बहुत गुंजाइश है। गवादर के नवाह में ऐसे इलाके हैं जहां मैंग्रोव के दरख्त लगाए गए हैं। हम न सिर्फ चीन के साथ मिलकर इनसे पहले लगाए गए मैंग्रोव के तहफ्फुज़ बल्कि मैंग्रोव की बहाली के लिए भी काम कर सकते हैं। चीनी तहकीक की मदद से हम अपने समंदरी माहौल को भी बेहतर बना सकते हैं। WWF पाकिस्तान ने तीन दहाइयों से मैंग्रोव के तहफ्फुज में अहम किरदार अदा किया। इसमें सबसे बड़ी पेशरफ्त मकामी लोगों की मसरूफियत है, जो WWF और महकमा जंगलात के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि हम मैंग्रोव के तहफ्फुज और बहाली को बेहतर तरीके से फरोग दे सके। चीन ने हालिया बरसों में मैंग्रोव पर बहुत ज्यादा काम किया। 52 कुदरती जखायर हैं जहाँ मुल्क भर में मैंग्रोव तकसीम किए जाते हैं। पाकिस्तान हर किस्म के कुदरती वसाइल से माला माल है। इनमें से एक 0.6 मिलियन हेक्टर मैंग्रोव इकोसिस्टम ज्यादातर सिंध के साहली जोन में कायम है। ताहम तखमीने के मुताबिक मैंग्रोव मुसलसल जवाल का शिकार है, क्योंकि जंगलात की कटाई एक खतरनाक शरह से हो रही है। पाकिस्तान में मैंग्रोव के 8 किस्में हैं, लेकिन अब सिर्फ 4 इकसाम बाकी रह गई हैं। मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम हो गई हैं। अब ये एशिया का 7वां सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है और दुनिया का 12वां बड़ा जंगल है। एक हेक्टेयर में मैंग्रोव 100 किलो मछली और 150 किलोग्राम केकड़े पालने में मदद करता है। इसी तरह ये मैंग्रोव 1 मिलियन से 10 मिलियन मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करने में मुआविन है। मैंग्रोव में आम जंगलात के मुकाबले में कार्बन जज्ब करने की 4 गुना ज्यादा सलाहियत मौजूद होती है। मैंग्रोव सुनामी और तूफान को रोकने में भी मदद करता है। अगर हमारे पास मैंग्रोव नहीं तो कराची सुनामी या तूफान से पूरी तरह तबाह हो सकता है। मैंग्रोव हमारी हिफाजत करने वाले हमारे खामोश फौजी हैं। मैंग्रोव के तहफ्फुज के लिए ताहिर रशीद का कहना है कि हमें 1952 में दिए गए हदफ के मुताबिक पानी छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात ये कि बलूचिस्तान के दरियाओं के किनारे बंद कर दिए गए हैं, यहाँ तक कि अगर नहरें पानी के लिए खोल दी गईं तो फिर भी बलूचिस्तान के दरियाओं से पानी की बाकायदा मकदार में इजाज़त देनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी डेल्टा तक जा सके और मैंग्रोव की नशोनुमा में मदद हो सके। मैंग्रोव सिंध से लेकर बलूचिस्तान के साहिल तक मौजूद हैं। कराची पोर्ट में मैंग्रोव की घने जंगलात पाए जाते हैं। यहाँ एक कंपनी ने बकायदा शजरकारी की थी, इसे खत्म करने के लिए कंपनियां भी बना दी, जिससे इन जंगलात को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। तजावेजात हर जगह हो रही हैं। न्यूजीलैंड में कानून है कि जहाँ मैंग्रोव नहीं है इन्हें खराब और खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि हिफाजत की जाएगी, क्योंकि ये आलूगी खत्म करते हैं, इसलिए इनकी हिफाजत जरूरी है। इन मकामात पे कोई कब्जा करके इमारत नहीं बना सकता। हॉक्स बे मैंग्रोव के जंगलात में बैरूनी ममालिक के परिंदे भी आते हैं और इनकी अफजाइश भी होती है। मैंग्रोव में 600 इकसाम के जानदार हैं। पाकिस्तान में मैंग्रोव की आला किस्म पाई जाती है। पाकिस्तान के साहली इलाके मैंग्रोव की वजह से खूबसूरत और हसीन नजर आते हैं। हुकूमत को चाहिए तो इन मकामात को साफ सुथरा करके और सहूलतें फराहम करके सियाहत के लिए इस्तेमाल करें। इससे लोगों को तफरी की बेहतर जगह के साथ साथ हुकूमत को बड़े पैमाने पे आमदनी भी हो सकती है। मैंग्रोव की खास बात यह है कि इसके बीज दरख्त पर लगे लगे तैयार हो जाते हैं और कितने के बाद उगना शुरू हो जाते हैं। ये मैंग्रोव पहले 0.6 मिलियन हेक्टर पे थे। मैंग्रोव में कुदरती तौर पर तख्लीकी नो यानी रीजनरेशन हो रही है। हालिया तहकीक के मुताबिक मैंग्रोव से जंगलात 30 साल में 471 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़कर अब 1472 स्क्वायर किलोमीटर हो गए हैं।
पाकिस्तान में सनती तेल और गंदगी आने से आलूदगी में इजाफा होता है, जिससे मैंग्रोव में अफजाइश अमल में रुकावट होती है और जानदार खत्म हो जाते हैं। पूरी दुनिया में मैंग्रोव के 110 एकसाम के पौधे होते हैं, जिनकी शक्लें और अफादियत एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। मैंग्रोव की अहमियत को समझने के लिए साइंसी मुताला जरूरी है। हमारे यहाँ शजरकारी के लिए मुताला नहीं किया जा सकता, हुकूमत और इदारों को इस तरफ काम करने की जरूरत है। हुकूमत मैंग्रोव के जंगलात को तबाही से बचाने के लिए इकदाम करें। तालीमी इदारों में बाकायदा माहिर माहौलियात होने चाहिए, जो पौधों को महफूज और फायदे के मुतालिक आगाही दें। सिंध फॉरेस्ट इस जमन में अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान में पानी की किल्लत के बायस इंडस डेल्टा बुरी तरह मुतासर हुआ। दरियाए पानी समंदर में ना जाने की वजह से मैंग्रोव के नशोनुमा में वाकया हुआ, लेकिन साल 2010 और 11 में बारिशें और सैलाबी पानी से मैंग्रोव को एक नई बहादुरी है। इसके बाद 2022 में आने वाले सैलाब ने भी अहम किरदार अदा किया। पिछले 10 साल में 300% इजाफे के साथ पाकिस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क बन गया जहाँ से ज्यादा मैंग्रोव की जंगलात की नशोनुमा हो रही है। दरख्तों की हिफाजत और नशोनुमा करने के लिए बड़ी तादाद में वहाँ के मकामी लोगों को ग्रीन नौकरियों के मौके भी मिल रहे हैं। साहली इलाकों में मैंग्रोव की जरूरत से इनकार नहीं। दुनिया भर में मैंग्रोव के दरख्त 137,800 मुरबा किलोमीटर यानी 53,200 मुरबा मील तक फैले हुए हैं। इस दरख्त की कुदरती सलाहियत की बदौलत समंदरी हयात महफूज रहती है। इसमें समंदरी तूफान की शिद्दत को कम करने की सलाहियत भी होती है। दरख्तों की जड़ों में समंदरी जानवर अपनी पनाहगाह बनाते हैं। मैंग्रोव मछलियों और झींगों समेत दीगर समंदरी हयात की अफजाइश का बेहतरीन जरिया होते हैं। मैंग्रोव हिस्पानवी जबान का लफ्ज़ है, इसे उर्दू में तिमर कहा जाता है। इसमें ऑक्सीजन फ्राहम करने की सलाहियत होती है। पाकिस्तान नेवी WWF की शराकतदारी के तहत एक दिन में ज्यादा से ज्यादा मैंग्रोव शजरकारी का आलमी रिकॉर्ड भी बना चुकी है। पाक बहरिया ने पूरी साहली पट्टी पे मैंग्रोव से जंगलात के तहफ्फुज और नए जंगलात को उगाने का बेड़ा उठाया। पाक बहरिया ने गुज़िश्ता साल में सिंध और बलूचिस्तान की साहली पट्टी पर 40,00,000 से ज्यादा मैंग्रोव के पौधे उठाए। नाज़रीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली इसी तरह की हर इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो सोशोन के तावुन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए सोशोन.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।